दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। विपक्षी एकता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी पहल की थी। पहल का आलम यह था कि उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात उन्होंने की थी। यानी कि 2024 में एक ऐसा रोड मैप तैयार हो रहा था, लेकिन सारी बातें अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जैसे ही कर्नाटक का चुनाव हुआ और परिणाम आए तो कर्नाटक में कांग्रेस ने फुल मेजोरिटी से सरकार बना ली। ऐसा मालूम पड़ता है कि नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए हैं। 12 जून को बिहार में होने वाली बैठक को भी स्थगित कर दिया गया, जैसा कि सूचना मिली। और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस के माध्यम से बताया कि इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है और 23 जून को इसकी बैठक होगी। लेकिन अब खिचड़ी पकेगी कि नहीं पकेगी, ये समझने वाली बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सीधे तौर पर ना कह दी है। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने एक बंगाल के अंदर सिंगल विधायक कांग्रेस की, उस कांग्रेस के विधायक को तोड़ने में कामयाब हो गई, जिससे कांग्रेस खलबला गई है। साथ ही साथ अगर बात कर लें कि 2014 में जनता दल यूनाइटेड की 2 सीट बिहार में आई थी, बाद में 2019 में भाजपा के साथ अलायंस करके 16 सीट जदयू ने प्राप्त किया था। जनता दल यूनाइटेड यानी गठबंधन की एक भी सीट नहीं आई थी। अब सवाल पैदा हो रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को कैसे हटाएंगे, कैसे पद से हटाएंगे, कुर्सी से हटाएंगे, ये सोचने वाली बात है। अब नीतीश कुमार बिल्कुल मौन व्रत रखे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी वो भी एक्टिव मोड में आ गए हैं, वो भी एक तरह का चाल चल रहे हैं और कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी, ये दोनों को बिहार आना था और दोनों बिहार नहीं आए। अब देखते हैं कि 23 जून को क्या होता है। समझने वाली बात है कि कर्नाटक में जैसे ही रिजल्ट आया कांग्रेस को पंख लग गए हैं और कांग्रेस को पंख लगने के बाद अब कांग्रेस दाएं बाएं नहीं देख रही है, वो देख रही है कि अब विपक्षी एकता बनाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन यह भी समझना है कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा थे विपक्षी दल के लिए जो सारी पार्टियों को एक करने की कोशिश किए थे। साथ ही अगर देखा जाए तो उनसे भी आगे फ्रंट पर तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव एमके स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर वो बधाई देने के लिए मद्रास यानी पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज है कि हर काम में, अब उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं उनसे भी मिलने के लिए तेजस्वी यादव चले गए, क्योंकि तेजस्वी यादव से उद्धव ठाकरे के बेटे का रिश्ता है, यानी दोनों अच्छे मित्र हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी चाहती है कि विपक्षी दल का जो ये गणित जो है उसको तोड़ा जाए। उसको तोड़ने के लिए तरह तरह की लोबियां लग रही है। कांग्रेस के अंदर बिहार में भी दो फाट की स्थिति देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कांग्रेस नहीं चाहती है बिहार के अंदर कि वो
किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन जब 2020 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें नीतीश कुमार को मात्र 43 सीट मिली थी। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल थी। अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ 7 दल थे और 7 दल होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल अपने को लीड मैन साबित करना चाहती है। अब वो नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार के पिछलग्गू बन के रहे। वो कांग्रेस के साथ कुछ अलग रणनीति चल रही है। साथ ही साथ अगर लॉ पुश की बात करें तो नीतीश कुमार यहां भी कमजोर दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुर्मी जो है और कुशवाहा, ये दोनों लॉ पुश का समीकरण है। लॉ पुश के समीकरण में ये लोग सही सटीक नहीं बैठ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हो गए हैं और उन्होंने राष्ट्रीय जनता लोक दल बना लिया है। उनका भी साथ में साथ आरसीपी सिंह, जो उनके हनुमान कहलाते थे नीतीश कुमार के, वो भी अलग होके कुर्मी वोटों को बिखराव की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल पैदा हो रहा है कि 23 तारीख को यानी 23 जून को क्या होता है, ये सोचने वाली बात है। कैमरा मैन कामरान कुरैशी के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।